सीधा रुख करते हैं भारतीय बाजार का, तो बाजार में आज पूरे दिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 50 अंक और निफ्टी 23 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते अब मेरे सहयोगी रजत देवगन के पास। रजत, बताएं आज पूरे दिन बाजार का हाल कैसा रहा? बिल्कुल, एक गिरावट देखने को मिली थी शुरुआती सत्र में, लेकिन वो बहुत जल्दी तेजी में तब्दील हो गई और बहुत स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिली थी। लेकिन दिन भर, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी और निफ्टी बैंक ऑप्शंस की, तो एक दायरे में ही फंसते हुए नजर आए। अंत में 23 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी पे 11,725 के आसपास बंद हुए और इसके अलावा निफ्टी बैंक 29,708 की क्लोजिंग है 56 पॉइंट्स गिरकर। लेकिन आज जो इंडेक्स पे यहां पर गेनर्स थे उसमें भारती इंफ्राटेल, यस बैंक, पार ग्रिड और हीरो मोटो कॉर्प शामिल थे। अच्छी तेजी बन रही थी इन स्टॉक्स में और सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है भारतीय इंफ्राटेल ने। इसके अलावा गिरावट में ब्रिटानिया, जी एंटरटेनमेंट, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल थे। अच्छा, नतीजों का असर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था। एक तो डाबर, इसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी 4% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ है डाबर। कंसाइन एरोलेक, यहां पर डिसअपॉइंटमेंट थी और पूरा ही पेंट सेक्टर साथ साथ टूटता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान जिंक और साथ साथ बंधन बैंक, कुछ नतीजे जो आज इंपैक्ट डाल रहे थे स्टॉक प्राइसेस पे। बंधन बैंक का शेयर 4% तब चला जब निजी क्षेत्र के बैंक्स में बिकवाली देखने को मिल रही थी। आईटी एक और तबका जो आज के सत्र में बहुत कमजोर था, टाटा एलेक्सी साथ साथ इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे दिग्गज कंपनियां टूटती हुई नजर आई। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक्स इंडसइंड बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। और मूड खराब हुआ था एफएमसीजी का डाबर के नतीजों के बाद। ब्रिटानिया, डाबर, कोलगेट, एचयूएल, एचयूएल के नतीजे तो फोकस में है ही कल के सत्र में जो आएंगे और उस पर निर्भर करेगा कि एफएमसीजी की अब चाल क्या बैठती है। लेकिन उससे पहले, नतीजों से पहले लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और ऑटो नंबर्स आते चले जा रहे थे। इंपैक्ट पड़ा अशोक लेलैंड पे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। अप्रैल के अगर सेल्स नंबर देखें तो अशोक लेलैंड के बहुत बेहतर थे। इसके अलावा बजाज ऑटो में 1.5% की तेजी थी, लेकिन टीवीएस मोटर, एस्कॉर्ट्स 8% अप्रैल नंबर्स के बाद टूटा हुआ नजर आया। टीवीएस मोटर थोड़ा रिकवर कर गया। जो शेयर्स में बिकवाली थी उसमें जेट एवेज था, शुरुआती सत्र में तो जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन दिन में अंत में यहां पर रिकवर करता हुआ नजर आया। बायोकॉन, रेमंड, मैकलॉयड रसल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में गिरावट थी, लेकिन तेजी में थे आज जनता फार्मा, कैनफिन होम्स, डीसीएम श्रीराम और वोडा आइडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आया। अब कल जो दिग्गज कंपनी है एचयूएल, सारा का सारा एफएमसीजी पैक, उस पर निर्भर करेगा कि क्या एचयूएल रिजल्ट्स डिलीवर करता है और साथ ही साथ रुपए की चाल और क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए। जी बिल्कुल रजत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।